नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज भी आरसीबी टीम से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। आईपीएल 2021 की शुरुआत जो है 19 सितंबर से होने वाली है। फेज़ टू 19 सितंबर से पहले मुकाबले के साथ शुरू हो जाएगा। पहला मैच जो है चेन्नई और मुंबई के बीच में ही खेला जाएगा। इसके बाद आरसीबी टीम दूसरा मैच खेलने वाली है 20 तारीख को। आरसीबी टीम का फेज़ टू का पहला मुकाबला है केकेआर के खिलाफ होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आईपीएल 2021 के फेज़ टू के शुरू होने से पहले लगातार आरसीबी टीम से जुड़ी तमाम अपडेट्स आ रही है, जो कि मैं आपको रोज़ वीडियो बना के बता रहा हूँ। आज भी हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सारी जानकारी आपको दूंगा, क्या है अपडेट्स इसके बारे में ही बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। मुझे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचते रहे। इसके अलावा, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आरसीबी को यदि ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाकर उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें पहली अपडेट की, तो पहली अपडेट आ रही है यहाँ पर आरसीबी टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकर को लेकर, जहां पर पड्डीकर ने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सलामी बल्लेबाज पड्डीकर का कहना है कि आईपीएल 2021 के दोनों चरणों में ज्यादा ब्रेक नहीं है और यह टीमों के लिए पहले चरण की लय को बरकरार रखने की बात होगी। पड्डीकर ने एक वीडियो इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा लगभग महसूस हो रहा है कि हम टूर्नामेंट को फिर से जारी रख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हमने लंबा ब्रेक लिया है, क्योंकि बीच में भी हमारे पास पर्याप्त क्रिकेट था। यह एक बड़ा ब्रेक जैसा महसूस नहीं होता है, इसलिए यह सीजन के पहले चरण में हमारे पास मौजूद लय को जारी रखने के बारे में है। आईपीएल 2021 के पहले चरण में पड्डीकल ने आईपीएल का अपना पहला शतक राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई में जड़ा था। पड्डीकल ने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि इस पॉइंट पर मैं ऐसा कर सकता हूं, हालांकि मुझे विश्वास था कि मैं वो रन बना सकता हूं। मैंने वो शतक बनाने की कल्पना नहीं की थी जब मैं जा रहा था। मुझे बस इतना पता था कि यह वह दिन है जब मुझे कुछ बड़ा करना है, और ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वे दिन बार बार नहीं आते, एक बार जब आपके पास वह पल हो तो बस उसे समझ लें, और मुझे लगा कि मैंने उस दिन अच्छा किया था। 20 साल के बल्लेबाज पड्डीकल इस साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ T20 में डेब्यू कर चुके हैं। इस सीज़न में बेंगलोर की ट्रॉफी जीतने की उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर पड्डीकल आशावादी लगे। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी उम्मीद करूंगा, हर साल हर कोई आईपीएल जीतने की ही उम्मीद के साथ आता है। उम्मीद है कि यह हमारा साल होगा। हमारे पास एक अच्छी टीम है और कुछ अच्छे विकल्प भी आ रहे हैं, इसलिए हम चुनौती के लिए तैयार हैं और उस लय को बरकरार रखें जो हमारे पास है। तो दोस्तों, पड्डीकल ने यही बड़ा बयान दिया है। इसके बाद भाइयों, दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर काइल जेमिसन को लेकर, जहाँ पर काइल जेमिसन जो है UAE पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने UAE में अपना डेरा डाल दिया है। वो 6 दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे। क्वारंटीन के बाद वो आरसीबी टीम के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करेंगे और अभ्यास करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम बात करें तीसरी अपडेट की, तो भाइयों तीसरी अपडेट ये आ रही है कि आरसीबी टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आज जो है UAE पहुंचने वाले हैं। खबरों के मुताबिक 12 सितंबर सुबह चार्टर प्लेन से दुबई पहुंचेंगे वो, जिसका इंतजाम उनके फ्रेंचाइजी करेगी। आरसीबी ने शनिवार को एक बयान में कहा था कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में रखते हुए टीम ने कप्तान कोहली और सिराज के लिए एक खास चार्टर प्लेन की व्यवस्था की है, ताकि वे सुरक्षित तरीके से UAE पहुँच सके। आरसीबी ने कहा कि खिलाड़ी शनिवार को स्थानीय समय अनुसार रात 11:30 बजे उड़ान भरेंगे और रविवार की सुबह दुबई पहुंचेंगे। कोहली और सिराज दुबई पहुंचने के साथ ही 6 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहेंगे, जिसके बाद टीम के बायो बबल में जुड़ेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाला 5वां टेस्ट मैच भारतीय कैंप में कोरोना के मामले सामने आने के बाद रद्द हुआ था। मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आज श्रीधर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सहायक फिजियो योगेश परमार भी इसकी चपेट में आए थे, जिसके बाद इस मैच को कैंसिल कर दिया गया है और अब सीधा आईपीएल खेला जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी ढेर सारी अपडेट्स आरसीबी टीम से जुड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।